दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी जब ब्लाउज आप डीप नेक में कट कर लेते हैं बना लेते हैं फिर उसको कैसे चेंज करें नया लुक देके। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए मैंने ये ब्लाउज बना लिया है, ये मैंने बेल्ट ब्लाउज बनाया है और ये डीप नेक है। देखिए दोनों ये फ्रंट पार्ट है हमारे और देखिए ये बैक पार्ट है। हमने ये डिजाइन का वीडियो भी अपलोड किया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और मैं अभी चाह रही हूँ इसको कॉलर में कन्वर्ट करूँ, तो अभी आपको बताती हूँ कैसे बनाए। तो देखिए अभी पहले हम शोल्डर से ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए ये दोनों पीस है हमारे, इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए मैंने दोनों शोल्डर से जॉइंट कर लिए हैं तो ये हमारा भी रेडी हो गया है। अभी हम कॉलर का मेजरमेंट लेते हैं, तो जितना आप आगे की तरफ रखना चाहें, जैसे ये हाफ कॉलर बना रहे हैं हम इसको, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे 3.5 इंच ले लें शोल्डर से, जो आपने जॉइंट किया है शोल्डर यहाँ से 3.5 इंच ले लें। और दोनों साइड का आप लगाएंगे तो ये हमारा 7 इंच हो गया। और उसके बाद हम 7 इंच ही यहाँ के लिए ले लेते हैं बैक साइड के लिए, तो टोटल आपको 14 इंच में कट करना है। तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं। और देखिए मैंने ये कैनवास का पीस लिया है, मैं इसमें बुकरम नहीं डाल रही हूँ, बुकरम धोने के बाद थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, तो मैंने कैनवास लिया है। तो इसको हम 15 इंच में कट करते हैं क्योंकि हमारा हाफ हाफ इंच दोनों साइड में फिनिशिंग में जाएगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा है तो निकाल देती हूँ। अभी देखिए हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं। और जो हमको कॉलर चाहिए वो हमको 1 इंच चाहिए और ये देखिए 1.25 इंच है हमारा। और यहाँ स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा गुलाई दे देते हैं, तो इस तरह से लेते हुए जाएं। और देखिए मैंने सेम लाइनिंग भी ले लिया है और ये पीस भी ले लिया है ब्लाउज का जो हमारा कपड़ा बचा था। अभी हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं, कपड़े को इस तरह सेट कर लें और जो कैनवास है यहाँ पर रख लेते हैं, इसे लेके पूरा यहाँ तक इसको स्टिच कर देते हैं। अभी देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देते हैं। और बीच बीच में कट दे दें। अभी हम इसको पलट देते हैं, पलटने के बाद किनारे पे सिलाई डाल देंगे। तो देखिए हमने स्टिच कर दिया है। अभी हम ब्लाउज को ले लेते हैं और ब्लाउज को इस तरह से खोल लेते हैं और 3.5 इंच हमने जो लिया है वहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। ये दोनों साइडों में हमने मार्किंग कर दी है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से 3.5 से यहाँ तक स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको लाइनिंग की तरफ से इसको स्टिच करना है, ये जो लाइनिंग है हमारा इसमें स्टिच करके और फिर इसकी फिनिशिंग दे देंगे। ये पट्टी जो हमने लगाई है इसको इस तरह से खोल लेते हैं और फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे इसको, इस पट्टी को इस तरह से अंदर फोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे किनारे पे इसकी फिनिशिंग दे देते हैं इस तरह सेट करते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा तैयार कर लिया इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप इसको अच्छे से सेट कर लें। अभी देखिए सेट हो गया और अभी हम सिलाई डाल देते हैं। और जो शोल्डर है यहीं तक हमको इसको इसके साथ अटैच करना है, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे इस तरह से सेपरेट स्टिच करेंगे। जो कॉलर है शोल्डर तक ही जॉइंट रहेगा। अभी इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे इसको
अभी जो कॉलर है हमारा, अभी आप आराम से इस तरह से स्टिच कर देंगे जैसे नॉर्मल हम फोल्ड करके स्टिच करते हैं। उसके बाद 3.5 इंच इसमें भी यहाँ पे मार्किंग छोड़ देते हैं कि वो क्लोज हमको 3.5 इंच तक छोड़ के कर देना। अभी सेम यहाँ पे भी शोल्डर पे से हम स्टार्ट कर देंगे और चाहे तो आप इस तरह से एक साथ ही इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये कॉलर अटैच कर दिया है, तो देखिए इस तरह से ये कॉलर आएगा। यहाँ पे आपका बैक साइड में आप देखेंगे तो इस तरह से रहेगा, शोल्डर से जॉइंट है और ये साइड ओपन है और फ्रंट में हमने क्लोज कर ही दिया है। अभी मैं इसमें लेस लगाऊंगी क्योंकि मैंने बैक साइड में लेस लगाई है, तो मैं लेस क्या करूँगी, एक तो यहाँ पर लगाऊंगी जो कॉलर है हमारा ऊपर की तरफ, तो ये इस तरह से पूरा यहाँ तक, और एक लेस आएगी जो कि हमारी नेक में से आएगी, वो इधर से आएगी। तो सबसे पहले लेस हम कॉलर में स्टिच करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस भी लगा दी है और देखिए कॉलर भी दोनों साइडों में लेस है हमारी, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। हमारा डीप नेक भी है और ये कॉलर भी है, देखिए पहनेंगे जब तो हमारा ये इस तरह से आएगा। देखिए बैक में हमारी कुछ डिजाइन इस तरह से आ रही है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है ये। और मैंने इसका ब्लाउज का कटिंग का वीडियो भी अपलोड किया है और इसका बैक नेक डिजाइन कैसे बनानी है इसका वीडियो अपलोड किया है, तो आप दोनों वीडियो देख लें जिससे कि आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। इस आसान तरीके से ये तैयार हुए नेक में कॉलर लगा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।